हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल टेक्निकल त्यागी। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे बेसिक टर्म्स अबाउट आईसी इंजन, जो आईसी इंजन से जो रिलेटेड टर्म्स है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि बोर क्या होता है, आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। TDC क्या होता है, BDC क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है। तो आज हम ऐसी बहुत सारी टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। तो मैंने डायग्राम बना लिया, ये फिर ये हमारा एक सिलेंडर है, ये जो मैंने डैश डैश शो करा है, ये हमारा एक पिस्टन है। पिस्टन में हम आप समझ लीजिए, जिसने आज तक पिस्टन का एंड पढ़ा है, ये हमारी पिचकारी। तो हमारी पिचकारी कुछ ऐसे होती है, तो ये हो गया हमारा सिलेंडर। और पिचकारी में ऐसा गोल सा होता है और ये लंबी डंडी जो घसते जाता है, हमारा पिस्टन। ये पिस्टन, तो यही एक सिलेंडर है, ये एक पिस्टन है, ये गोल से, लेकिन फ्रंट व्यू से आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है। ये जो इसकी रोड थी, ये वही रोड है, कनेक्टिंग रोड, इसे हम कहते हैं कनेक्टिंग रोड। और ये पीछे क्रैंक से कनेक्ट होता है। तो मैं इन सब के बारे में लिख देता हूँ सबसे पहले। तो ये क्या हमारा सिलेंडर ब्लॉक, ये क्या हमारा पिस्टन, ये हमारी है कनेक्टिंग रोड जो कनेक्ट करके रखे हैं दोनों चीज़ से। ये जो आपको सर्कल दिख रहा है डैश डैश, ये हमारा क्रैंक। और ये सर्कल जिससे कनेक्ट है, क्रैंक रेडियस, ये हमारी क्रैंक रेडियस। और यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी जो लेंथ होती है, जैसे कहते हैं हम स्ट्रोक लेंथ, स्ट्रोक लेंथ। अब बात करते हैं किन किन टर्म्स की, वो मैंने सब लिख लिया। सबसे पहले हम बात करेंगे बोर की, फिर स्ट्रोक क्या होता है, डेड सेंटर क्या होता है, टॉप डेड सेंटर क्या होता है, बॉटम डेड सेंटर क्या होता है, क्रैंक थ्रो या क्रैंक रेडियस क्या होता है, स्वेफ्ट वॉल्यूम क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, टोटल सिलेंडर वॉल्यूम और कंप्रेशन रेशियो। तो आज हम इनकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बोर। तो बोर क्या होता है, बोर इज द इनर डाया ऑफ द सिलेंडर। ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर का इनर डाया, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा बोर। तो बोर इज द इनर डाया ऑफ द सिलेंडर। अब स्ट्रोक क्या होता है, तो स्ट्रोक होता है हमारा द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन फ्रॉम वन डेड सेंटर टू द अदर डेड सेंटर, यानी कि हमारा पिस्टन कितना मूव करता है एक डेड सेंटर से दूसरे डेड सेंटर तक, उसे कहते हैं हम स्ट्रोक। इन सब की डेफिनेशन मैं आपको बाद में लिख के दिखा दूंगा। अब बात कर रहे हैं डेड सेंटर की, डेड सेंटर होता क्या है, क्योंकि स्ट्रोक ने कहा द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पिस्टन फ्रॉम वन डेड सेंटर टू अदर डेड सेंटर। तो डेड सेंटर कुछ नहीं होता, डेड सेंटर होता है एक एक्सट्रीम पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय द पिस्टन, कि एक पिस्टन के द्वारा कहाँ तक की ये पोजीशन है जहाँ तक ये जा सकता है मैक्सिमम, उसे कहते हैं डेड सेंटर। अब मान लीजिए पिस्टन हमारा किस टाइम ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ऊपर की मूव तक ऐसा नहीं है कि यहाँ पे, क्योंकि हमारा स्पार्क प्लग भी होगा या हमारा एग्जॉस्ट वाल्व भी होगा या हमारा इनलेट वाल्व भी होगा कि ऊपर टच कर जाए, तो एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पिस्टन हमारा मैक्सिमम जा सकता है। मान लीजिए हमने मान लिए, तो बता रहा हमारा TDC टॉप डेड सेंटर, कि ऐसा सेंटर है डेड सेंटर कि इसके आगे पिस्टन नहीं जा सकता। इसी तरह हमारा नीचे की तरफ हमने एक मान रखा है BDC, ये हमने माना कि इसलिए डायग्राम में, लेकिन हमारा एक्चुअल होता है इसकी पोजीशन होती है प्रॉपर कि TDC क्या होता है, BDC क्या होता है। तो डेड सेंटर क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल या द एक्सट्रीम पोजिशन ऑक्यूपाइड बाय द पिस्टन, कि एक्सट्रीम पोजीशन है जो पिस्टन द्वारा ले जा सकते हैं, मतलब पिस्टन यहाँ से यहाँ तक ही मूव कर सकता है, ना इससे आगे जा सकता है ना इससे नीचे जा सकता है। तो हमारा डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर क्या है, द टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ द डेड सेंटर एट विच पिस्टन मूव, कि वो ऊपर की ऐसी पोजीशन जहाँ तक पिस्टन जा सकता है, तो टॉप डेड सेंटर। एंड द बॉटम पोजीशन इज नोन एज बॉटम डेड सेंटर BDC। अब बात करते हैं क्रैंक थ्रो, क्रैंक थ्रो क्या होता, तो क्रैंक थ्रो क्या, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मेन शाफ्ट एंड द सेंटर ऑफ क्रैंक पिन। कहने का मतलब है जो मेन शाफ्ट है, ये जो इसकी एक शाफ्ट जा रही है, ये यहाँ का डिस्टेंस बिटवीन द, ये डिस्टेंस ये टू द डिस्टेंस ऑफ क्रैंक पिन, मतलब इस क्रैंक पिन से ये जो मेन शाफ्ट तक की जो दूरी है, ये हमारी क्रैंक रेडियस है, हमारी क्रैंक थ्रो है। अब बात करते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, जैसे नाम से होता है स्वेप्ट, मतलब झाड़ू लगा, मतलब जहाँ तक हमारा पिस्टन जा सकता है। तो स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द पिस्टन मूविंग फ्रॉम वन डेड सेंटर टू द अदर डेड सेंटर। कहने का मतलब है कि एक पिस्टन एक डेड सेंटर से दूसरे डेड सेंटर तक जाने में जो वॉल्यूम कवर करता है, उसे हम स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं, चाहे वो TDC हो या BDC हो। तो हमारे क्या कहते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम। हम बात करते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम जैसे नाम से पता चल रहा है, जो वॉल्यूम क्लियर हो, मतलब जहाँ पर हमारा पिस्टन नहीं जा सकता,
वेयर द वॉल्यूम इंक्लूडेड बिटवीन द पिस्टन एंड द सिलेंडर हेड, मतलब जो TDC से सिलेंडर के हेड तक की बीच की जो वॉल्यूम है ये वाली, जो हमारा पिस्टन नहीं जा सकता है, क्लियरेंस वॉल्यूम, मतलब क्लियर है यहाँ पे हमारा पिस्टन नहीं जा सकता है, वॉल्यूम क्लियर है। अब टोटल सिलेंडर वॉल्यूम, टोटल सिलेंडर वॉल्यूम क्या है, ये है इट इज़ द सम ऑफ द क्लियरेंस वॉल्यूम एंड द स्वेप्ट वॉल्यूम, यानी कि टोटल सिलेंडर की वॉल्यूम क्या है, सिलेंडर की वॉल्यूम तो यहाँ तक की पूरी है, तो ये वाली वॉल्यूम क्लियरेंस वॉल्यूम और जितने हमारा पिस्टन मूव कर सकता है ये स्वेप्ट वॉल्यूम, तो इट इज़ द सम ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम एंड द स्वेप्ट वॉल्यूम। अब बात करते हैं कंप्रेशन रेशियो, तो कंप्रेशन रेशियो नाम से पता चला कि एक रेशियो है, तो किस चीज़ का रेशियो, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल सिलेंडर वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम, मतलब कंप्रेशन रेशियो क्या है, जो टोटल सिलेंडर हमारा जितना होता है अपॉन में क्लियरेंस वॉल्यूम, कि हमारे पूरे सिलेंडर का माइनस क्लियरेंस वॉल्यूम, कंप्रेशन मतलब जितना हमारा सिलेंडर ने कंप्रेस करा, वो हमारा सिलेंडर जो पिस्टन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो कंप्रेस कर सकता है, ये तो करेगा नहीं, तो टोटल सिलेंडर वॉल्यूम मतलब ये पूरा डिवाइड बाय ये, तो हमारे कितना कंप्रेस करा वो हमारा करा TDC से BDC तक, तो टोटल सिलेंडर वॉल्यूम डिवाइड है क्लियरेंस वॉल्यूम, मतलब VS प्लस VC अपॉन VC, तो ये हमारा कंप्रेशन रेशियो। अब मैं इनकी एक बार आपको डेफिनेशन लिख के दिखा देता हूँ, तो मैंने सबकी डेफिनेशन लिख ली है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। और ये डायग्राम बन चुका है, इससे आप पता, इसको आप देख के भी बता सकते हैं कि ये VC, VS, कनेक्टिंग रोड, ये सब क्या है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आज की वीडियो में मैंने अच्छी अच्छी बातें वो करी हैं, जैसे कि हमने छोटे छोटे टर्म्स के बारे में पढ़ा कि बोर क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है, TDC, स्वेप्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, और भी ज़्यादा अपडेटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।